नमस्ते, मैं सोचता हूँ अगर जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो आज की सोशल मीडिया की जनता में घनघोर बेरोजगारी छाई होती। वो इसीलिए कि आए दिन नेहरू के नाम पर कुछ ना कुछ वायरल कर दिया जाता है। अब कुछ वायरल पोस्ट्स हैं, इनमें दावा किया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला एक नोट चलता था भारत में, मगर नेहरू ने उसे बंद करवा दिया। इस वीडियो में हम इसी वायरल पोस्ट का सच बता रहे हैं। तो क्या है इस वायरल पोस्ट में? पोस्ट को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक फोटो, दूसरा कहानी, तीसरा अपील। सबसे पहले फोटो की बात। फोटो है एक नोट जैसी, नोट यानी करेंसी। इसके ऊपर लिखा है 5, मतलब इसकी कीमत 5 है। वैसे इस पर बॉन्ड लिखा है। नोट के दाहिने हिस्से में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, नोट के निचले हिस्से में सुभाष चंद्र बोस लिखा है। अब कहानी की बात करें तो वायरल पोस्ट में फोटो के साथ एक कहानी है। इसके मुताबिक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला 5 रुपये का नोट है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे बंद करवा दिया ताकि भारत के लोग नेताजी को, जो कि सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, भूल जाएं। वायरल पोस्ट का आखिरी हिस्सा है, इसमें लिखी एक अपील जो कि लोगों से की गई है। उनसे कहा गया है कि वो इस पोस्ट को खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि सरकार पर दबाव पड़े और वो इस नोट को दोबारा शुरू करवा दे। तो चलिए इस पोस्ट का सच खोलना शुरू करते हैं। हुआ ये कि 1941 में नेताजी अंग्रेजों की गिरफ्त से भागकर विदेश चले गए, मतलब भारत से विदेश चले गए। 1942 में मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई, सिंगापुर में एक अस्थाई सरकार बना ली बकायदा। इसका नाम आजाद हिंद रखा गया, मतलब हिंद को आजाद करना इसका मकसद था। हिंद मतलब हिंदुस्तान। इस सरकार को कई देशों ने मान्यता दी। नेताजी ने जापान से मदद मांगी। सुभाष चंद्र बोस हिंसक क्रांति के रास्ते आजादी हासिल करने में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि अहिंसा के रास्ते भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब यहां पर आता है आजाद हिंद बैंक। ये कब बना और क्यों बना और इसका क्या लेना देना है इस खबर से? नेताजी ने देश को आजाद कराने के लिए जो जंग शुरू की थी, उसके लिए उन्हें काफी सपोर्ट भी मिला। लोगों ने खूब आगे बढ़ बढ़ कर चंदा भी दिया उनको। इन पैसों को संभालने के लिए अप्रैल 1944 में एक बैंक भी बनाया गया। उसका नाम था आजाद हिंद बैंक। जैसे जंग के लिए फंड की जरूरत थी, वैसे ही इस फंड को मैनेज करने के लिए एक बैंक की जरूरत थी। इस बैंक की स्थापना हुई रंगून में। रंगून बर्मा की राजधानी थी। बर्मा का ही मॉडर्न नेम म्यांमार है। 1944 के शुरुआती महीनों में नेताजी आजाद हिंद फौज को यहीं बर्मा ले आए, मतलब सिंगापुर से वो बर्मा ले आए। बाद में यही बर्मा अंग्रेजों और जापानियों के बीच की लड़ाई का एक बड़ा अहम मोर्चा भी बना। अब जैसे हर सरकार अपनी करेंसी छापती है, पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा अपनी करेंसी छापते थे, उसी तरह नेताजी की सिंगापुर वाली सरकार ने भी आजाद हिंद बैंक के मार्फत अपनी करेंसी जारी की। जिन देशों ने आजाद हिंद सरकार को सपोर्ट किया, उन्होंने इस करेंसी को भी मान्यता दी। तो अब जो ये वायरल पोस्ट में नोट दिख रहा है, वो है कहां का? मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। ये नोट उसी आजाद हिंद बैंक का जारी किया हुआ है। जैसे रिजर्व बैंक 5 रुपये के नोट से लेकर 2000 रुपये तक के नोट जारी करता है, वैसे ही आजाद हिंद बैंक ने भी कई नोट निकाले, मसलन 5 रुपये का नोट, 10 का नोट, 100 का नोट, 150 का नोट और 1000 का नोट, 5000 का नोट। इसमें सबसे बड़ी करेंसी थी 1 लाख रुपये की। मगर 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर जो भारत बना, ये उसका नोट नहीं। नेताजी भले ही हमारे हीरो हों, लेकिन इस नोट को आजाद भारत में लागू नहीं किया जा सकता था। सो ये कहना है कि नेहरू ने इसे बंद करवाया सरासर झूठ है। तो आजाद हिंद बैंक से जुड़ी एक और भी बड़ी मिस्ट्री थी। वो मिस्ट्री ये कि उनकी मौत के कई दशकों बाद कई चीजें रहस्य की तरह रही।
उनमें से एक बात यह भी थी कि आजाद हिंद बैंक का पैसा जो आया था वो गया कहां। तो 2017 में मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई अहम फाइल्स को सार्वजनिक पटल पर रखा। इन फाइल्स को शॉर्ट में नेताजी पेपर्स कहते हैं। ये जब सार्वजनिक हुए तो लगा कि ये वाली पहेली सुलझ जाएगी कि नेताजी के दौर में जो आज़ाद हिंद बैंक बना था उसके पैसे गए कहाँ, लेकिन उन फाइल से भी इस बात का पता चल नहीं पाया। वैसे नोटों में नेताजी की तस्वीर हो, इसकी मांग कई फ्रंट्स पर उठी। नेताजी का परिवार तो लगातार ये मांग करता ही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL डालकर भी नोट में नेताजी की फोटो छापने की मांग की गई। वैसे 2010 में रिजर्व बैंक के एक पैनल ने कहा था कि महात्मा गांधी के अलावा और कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो भारत के मूल्यों को संपूर्ण रूप में जाहिर कर सके। तो इसीलिए अभी जो भारत में नोट चलते हैं उसमें सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। मगर वायरल फोटो में बस इन नोटों को जारी किए जाने की अपील नहीं है, उसमें नेहरू को छोटा साबित करने की भावना है। एक खास विचारधारा के लोग लंबे समय से नेहरू को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। जैसे इस वायरल पोस्ट में उन्होंने लोगों को नेताजी के नाम पर भावुक किया और नेहरू को विलेन बना दिया, जबकि नेताजी और नेहरू दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। अंतर बस इतना था कि दोनों के रास्ते अलग अलग थे। एक ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना, दूसरे ने अहिंसा का। संघर्ष तो दोनों ने भारत के लिए ही किया। तो हम अपनी पड़ताल को आज इतिहास तक लेकर गए और नेहरू के नाम पर फैलाए जा रहे एक झूठ का पर्दाफाश किया। ऐसी पड़ताल दी लल्लन टॉप करता ही रहेगा। आपके पास ऐसे कुछ झूठ, कुछ वायरल पोस्ट आए तो lallantopmail@gmail.com पर भेज दें और हमारे साथ बने रहें। हाँ, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना ज़रूर याद रखें, ये एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।